27 नवंबर 2023 कार्तिक पूर्णिमा के दिन कर लीजिएगा। 1 रुपए के सिक्के और काली मिर्च का प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति, बढ़ेगा बैंक बैलेंस, करियर कारोबार में दिन रात कमाएंगे, मुनाफा इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। दोस्तों आपको बता दें, 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पड़ने जा रही है। वैसे तो हिंदू धर्म में एक साल में 12 पूर्णिमा पड़ती हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी और खास पूर्णिमा अगर किसी को माना गया है वह कार्तिक पूर्णिमा को माना गया है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा जो होती है उस दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वैसे तो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी दोनों की पूजा पाठ एक साथ की जाती है, लेकिन वेद पुराणों में बताया गया है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर कोई भी व्यक्ति माता लक्ष्मी जी की थोड़ी सी भी पूजा कर ले तो माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को तुरंत अपना आशीर्वाद दे देती है। इसीलिए शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व बताया गया है। कार्तिक पूर्णिमा को एक व्यक्ति की गरीबी खत्म करने वाली पूर्णिमा तक वेद पुराण में माना जाता है। दोस्तों बताया जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। इस दिन माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। इस दिन कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी उपाय कर ले तो माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद जरूर दे देती हैं। और इस दिन अगर आपने तंत्र शास्त्र के अनुसार 1 रुपए के सिक्के और 1 मुट्ठी काली मिर्च का उपाय कर लिया तो मान के चलिए तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान मिल जाएगा। इसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएगी, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके पास इतना धन आएगा कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करेंगी। दोस्तों यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जो आज भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर करते हैं। और अगर कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप भी सिर्फ 2-4 मिनट का समय निकाल करके 1 रुपए के सिक्के और 1 मुट्ठी काली मिर्च का उपाय सही तरीके से कर लेंगे तो मान के चलिए आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। यह एक ऐसा उपाय है दोस्तों जो आप ही के जीवन में नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव ला सकता है। यह उपाय करने के बाद आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही शुभ होगा। इसीलिए बस आपको 27 नवंबर को इस छोटे से उपाय को सही मुहूर्त पर विधि विधान से करना है। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के और 1 मुट्ठी काली मिर्च का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दे, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी जी की जब भी पूजा की शुरुआत की जाती है तो वहां पर 1 रुपए के सिक्के को रख कर ही पूजा को शुरू किया जाता है। शास्त्र में बताया गया है कि अगर ऐसा किया जाए तो उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर मिलता है। वह पूजा तुरंत संपन्न हो जाती है, क्योंकि मुद्रा के पहले सिक्के से ही अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा को शुरू किया जाए तो वह पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है। दूसरी तरफ जो काली मिर्च होती है उसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। देखिए, काली मिर्च जो होती है वह तंत्र शास्त्र के अनुसार बहुत ही ताकतवर होती है। शास्त्र में बताया गया है कि काली मिर्च का उपाय अगर सही दिन पर सही मुहूर्त पर विधि विधान से किया जाए तो वह पूजा कभी भी खाली नहीं जाती है। अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा में आप काली मिर्च का प्रयोग करेंगे तो पूजा का आपको लाभ जरूर मिलेगा। अगर आपने सिर्फ 27 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1 मुट्ठी काली मिर्च और 1 रुपए के सिक्के का उपाय कर लिया तो मान के चलिए इस उपाय से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद तुरंत मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा, क्योंकि सिर्फ एक दिन का उपाय आपके जीवन में खुशहाली ला सकता है, आपके जीवन में बरकत ला सकता है। और यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने के बाद मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी और आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और एक बार अगर किसी व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए तो मान लीजिए दोस्तों
वह व्यक्ति अपने जीवन में जिस कार्य को शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय हो जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था कि दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा ताकि कोई भी उपाय जो आप करके लाभ पा सकते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन, वह आकर हम आपको जरूर बता दें। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है घर की बरकत का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में उनको सफलता प्राप्त हो, आपके घर पर धन का आगमन बहुत तेज हो जाए, आपके घर में जो भी धन आए उसमें वृद्धि हो, तो एक बहुत छोटा सा उपाय आपको 27 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन करना है। यह उपाय है बहुत आसान, लेकिन एक ऐसा अचूक उपाय है जिस उपाय के बाद माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। 27 नवंबर 2023 के दिन सूर्यास्त के बाद आपको या आपके घर के किसी भी सदस्य को नहा लेना है और एक पीतल की कटोरी लेनी है। उस पीतल की कटोरी में आपको एक मुट्ठी काली मिर्च डालना है और उस पर एक रुपए का सिक्का रखना है और इस कटोरी को ले जाकर के अपनी छत पर ऐसी जगह रख देना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो। यह उपाय सूर्यास्त के बाद आपको करना है और अगले दिन मतलब 28 नवंबर को आपको सो करके उठना है। नहाने के बाद उसे कटोरी को उठा करके लाना है जिसमें अपने काली मिर्च और एक रुपए का सिक्का रखा है। इस कटोरी से आपको काली मिर्च और एक रुपए सिक्का को उठा लेना है और किसी भी लाल कपड़े में रख देना है। लाल कपड़े की पोटली बना करके इसको अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर देना है। सिर्फ इतना उपाय कार्तिक पूर्णिमा के दिन कर लीजिए और यह पोटली आपके घर के हर नकारात्मक शक्तियों को खत्म कर देगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। इस पोटली को इस तरीके से स्थापित अगर आपने कर दिया तो आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। यह पोटली माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बनकर के आपके लिए काम करेगी। दूसरा उपाय है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों मान लीजिए आपके जीवन में धन आता है लेकिन बेफिजूल खर्ची में उड़ जाता है। आप अपने जीवन में बहुत परिश्रम करते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा है, तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? तो बता दे आपका शुक्र ग्रह कमजोर है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमजोर हो जाता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन नहीं टिकता है। तो एक छोटा सा उपाय अगर आपने कर लिया जो हम आपको बता रहे हैं तो हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उस धन में वृद्धि होगी। धन संबंधित जो भी आप निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। बस आपको यह करना है कि कार्तिक पूर्णिमा की रात 8 बजे के बाद आपको अपने पूजा घर पर बैठना है जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हुई है। आपको दो अलग अलग एक एक रुपए के सिक्के रखने हैं, वह भी अपने हाथ पर माता लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाइए और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र को आपको 11 बार जपना है क्योंकि 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। एक सिक्के को अपने पर्स में रख लीजिए और हमेशा अपने पर्स में रखे रहिएगा। दूसरे सिक्के को अपनी तिजोरी में, अलमारी में, कहीं पर भी रख दीजिए। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो मानकर चलिए यह सिक्के आपके जीवन में आपका शुक्र ग्रह का साथ आपको दिला देंगे और आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। अगला उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। अगर आपका व्यापार पहले चल रहा था, अब आपका व्यापार बंद हो गया है और आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह है कि आपके व्यापार को लग गई है नजर, और जिस व्यक्ति के भी व्यापार को नजर लग जाती है उस व्यक्ति का व्यापार पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। क्योंकि दोस्तों एक कहावत है कि हरे पेड़ को भी नजर लग जाए तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। लेकिन अगर आपने कार्तिक पूर्णिमा के दिन वह उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं तो आपका व्यापार चल पड़ेगा और आपके व्यापार के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी।
क्योंकि यहां पर आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। कार्तिक पूर्णिमा की रात आपको अपने पूजा घर पर बैठना है। यहां पर एक लाल कपड़ा आपको बिछाना है। माता लक्ष्मी जी के सामने इस लाल कपड़े पर एक मुट्ठी काली मिर्च, एक रुपए का सिक्का और एक लौंग आपको रखना है। फिर इस कपड़े की पोटली आपको बना लेनी है। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है। माता लक्ष्मी के सामने उनके एक बीज मंत्र का जाप आपको करना है। बीज मंत्र है ओम श्रीम श्रीम नमः। हम फिर से रिपीट करते देते हैं दोस्तों, ओम श्रीम श्रीम नमः। इस पोटली को ले जाकर के आपको अपने व्यापार स्थान के धन स्थान पर रख देना है। अब ये पोटली माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी और आपके जीवन में धन को खींचने का एक माध्यम बन जाएगी। ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जो प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा को आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी जी के लिए जय मां लक्ष्मी लिख